आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपको तत्काल मदद मिलेगी। COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार की रात्रि से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र सागर, कैंट सागर और सागर जिले में स्थित सभी नगरीय संस्थाओं में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, जैसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, राशन की सप्लाई दुकान खोलकर नहीं की जा सकेगी, लेकिन होम डिलीवरी हो सकेगी। इसी तरह से टिफिन सेंटर, रेस्टोरेंट या होटल भी होटल नहीं खोल सकेंगे, लेकिन वो होम डिलीवरी कर सकेंगे। जो शासकीय अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य प्राइवेट लोग जो अत्यावश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं, उनको लॉकडाउन के दौरान काम करने की छूट रहेगी। इसके साथ ही मीडिया को भी कवरेज के लिए लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट रहेगी। शहरी क्षेत्र में जो उपार्जन केंद्र और मंडियां इत्यादि हैं, वो सैटरडे संडे बंद रहेंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मंडियां चालू रहेंगी। शुरू में कहा गया था कि शुक्रवार को शाम 6 बजे से ये लॉकडाउन शुरू होगा। चूँकि शाम 6 बजे तक कार्यालय का समय है और लोगों को लौटने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम इसको संशोधित कर रहे हैं। शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक ही रहेगा लॉकडाउन। सर, लॉकडाउन में मीडिया के आने जाने की क्या सुविधा? लॉकडाउन में मीडिया के अगर लोग कवरेज के लिए जाते हैं तो उनको अनुमति रहेगी। इस आशय के निर्देश आज सभी SDM और सभी पुलिस अधिकारियों को मैंने और पुलिस अधीक्षक ने दिए। राज्य शासन के निर्देश पे जो शनिवार एवं रविवार का लॉकडाउन, जिसे कोरोना कर्फ्यू के नाम से अब जाना जाएगा, इसमें सभी नागरिकों से इसी बात की अपील है कि इस लॉकडाउन में आपकी सुरक्षा के लिए ही सारी व्यवस्था की गई है, ताकि जो कोरोना की चेन है इसको ब्रेक की जा सके और इसको पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में पालन करना है। सिवाय आकस्मिक मेडिकल परिस्थितियों के अलावा जो है, अपने घरों से बाहर न निकलें। अत्यावश्यक जो भी वस्तुएं हैं आपकी, आप उसको शुक्रवार तक उसका संग्रहण कर सकते हैं। शनिवार रविवार को दूध, फल, सब्जी, वो भी सीमित समय पे इसकी सप्लाई होगी। और जो कुछ टिफिन सेंटर्स वगैरह हैं, वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी को भी अपने घरों से बाहर घूमने या मतलब शहर के किसी स्थान पर भ्रमण करने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर आप इसमें ऐसा पाए गए और इसका कोई उचित कारण नहीं प्रदर्शित हुआ, तो धारा 188 के अंतर्गत FIR की जाके आपको न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए सभी से इस बारे में अनुरोध है कि जैसे पूर्व में लॉकडाउन का हमने सख्ती से पालन किया है, इस वर्ष भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। मुसीबत से अब घबराना नहीं, आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाएं और साइन अप करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाएगा। इसमें अपने सबसे नजदीकी केयर टेकर या परिजन का मोबाइल नंबर फीड कर एड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बटन प्रेस करें। सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेत परिजनों के पास पहुंच जाएगी और तत्काल आपको मदद मिलेगी।